उधम सिंह नगर क्षेत्र में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। एसएसपी ऑफिस में मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अभय सिंह ने बताया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आजाद पर को शक था कि उसकी पत्नी रानी के किसी अन्य व्यक्ति से लुकात थे। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की गोबर के दलदल में डुबोकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आजाद को शक था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य के साथ संबंध है और वो बच्चों को उसके खिलाफ भड़काती है। इसी कारण आजाद आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था। 1 अक्टूबर को भी आजाद राजभर ने अपनी पत्नी रानी से पहले मारपीट की और फिर गोबर के दलदल में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। एसपी क्राइम अभय सिंह ने बताया हत्या आरोपी को किच्छा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि यह आजाद राजभर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के निवासी हैं और ये अपने परिवार के साथ यहाँ शिमला पिस्तौर में एक काश्तकार हैं, उनके फार्म हाउस पे काम करते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति रहती थी। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में रात के 1 बजे अपनी पत्नी को अपनी झोपड़ी के बगल में जो एक पौंड था जिसमें कि गोबर रखा हुआ था और बारिश के कारण उसमें जलजमाव की स्थिति थी, 5 से 6 फीट का एक गड्ढा था उसी में डुबो करके अपनी पत्नी को मार करके और ये व्यक्ति खेतों की तरफ भाग गया।